आई एम बैक कुछ अलग मूड में, अलग जोन में. सोच रहा था व्हाट नेक्स्ट यार. घर वालों ने इतना सवाल किया ना, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. मैं अपने लाइफ में भी यही सवाल करने लग गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट. तो आज हम जा रहे हैं पारस से मिलने. पारस काफी फेमस किरदार निभा चुके हैं, महाभारत में भी वो आ चुके हैं अभिमन्यु बन के, और काफी माइथोलॉजिकल सीरीज कर रहे हैं वो, बहुत सारे शोज कर रहे हैं. तो आज हम जा रहे हैं पारस से मिलने. सो फाइनली हमें पारस मिल गए हैं, और पारस के साथ हम बड़ी सारी बातें करने वाले हैं. इनके घर से इनको पिक किया है, और देखिए इनके घर के पास ही ये हरियाली, सामने पहाड़ दिख रहे हैं जी, कम भीड़ यहाँ पे. पारस, पढ़ाई कब कंप्लीट हुई आपके? सर अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है भाई. अभी तक हुई नहीं? तो आप किससे पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी बीएमएम फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, अभी अभी कॉलेज से आया हूँ. ओहो, और कॉलेज क्या है आपका? मेरा मीरा रोड में. अच्छा, मीरा रोड में. मीरा रोड में कॉलेज है. सो गर्ल्स हिट ऑन यू और नॉट? They know you as a character. मैं आज पहला दिन था मेरा कॉलेज का. अच्छा. सो सब, क्योंकि स्कूल भी है उस टाइम और कॉलेज भी रहता है, तो सब लोग अरे अभिमन्यु 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 करके बहुत सारे लोग, इवन दो टीचर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे मुझे देख के कि अरे हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में पढ़ रहे, वाह. तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था सबका. अभी एक दो दिन और बीतने दीजिए, उसके बाद लोग आके बोलेंगे ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ते बताओ. मतलब सब आज ये तो बहुत लोगों ने बोला कि हम, आप जब मरे तो हम बहुत रोए. मैं लिटरली रो रही थी, मुझे कई लड़कियों ने आके बोला. मैंने कोई बात नहीं, बहुत सारी रो रही थी. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि उन्हें रोना आ गया, तो क्या करें, अब काम है, हंसाना भी है और रुलाना भी है. सो अगर आप रोए तो मतलब मैंने अच्छा काम किया. ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, आप हाँ हमेशा से सोचा था ये करोगे या ये बाई चांस? नहीं नहीं, बाई चांस मतलब नहीं था. मैं बिलोंग करता हूँ बरेली से. ओहो, जो कि यूपी में है. यूपी में? यूपी में. तो बहुत छोटा था तब, डांस वांस करता था मैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे, हर एक जो भी कॉम्पिटिशन होता था उसमें फर्स्ट आता था. उस बात पे जरा भोंपू बजा दीजिए. भोंपू बजा दूँ? वेरी गुड. नाउ अब क्योंकि आपने जिक्र छिड़ा एक ऐसी जगह का, बरेली यूपी का वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस, जो कि अपने पतंग और मांझों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मैं खुद यूपी को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को ये ज़्यादा पता है. I basically belong to Gorakhpur. अच्छा अच्छा, गोरखपुर से. Wow. So, पतंग और मांझे का इस्तेमाल आपको आता है? शौक है आपको? मुझे मतलब बहुत अच्छी पतंगबाजी नहीं करता मैं, बट मैंने की है. हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे पतंगबाजी होती है, और उससे 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है पतंग वतंग आसमान में देखना. और रक्षाबंधन में आप आसमान नहीं देख सकते, नहीं देख सकते. मुंबई में वो चीज नहीं होती है. मुंबई में एक ही दिन 14 जनवरी, 14 जनवरी, हाँ संक्रांति, अपनी तरफ से खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं. उस दिन यहाँ पे उड़ती है एक दिन, और वो भी बिल्डिंग वाले टेरेस नहीं खुलते, तो वो भी मुश्किल हो जाता है उड़ाना. उस दिन वो एक ऐसा दिन होता है रक्षाबंधन का, जब लोग बाग अपने घर में कम और अपने छत पे ज्यादा दिखाई देते हैं. सही बात है. और पकोड़े बनते हैं, पुदीने की चटनी लगती है, टमाटर की चटनी लगती है, वो छतों पे होते हैं और लोग खाते हैं. बड़ा मस्त माहौल बनता है, बहुत मजा आता है. एक दूसरे की छत पे कूद के चले जाते हैं, भाई तेरी छत से मैं पेज लड़ाता हूँ. तो बहुत सारी चीजें होती है. नैनो के पेज लड़ाते थे? नैनो के पेज, मेरी उम्र नहीं थी तब नैनो के पेज लड़ाने की. यू नेवर नो, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं. हाँ, तब तक नहीं हुआ था इतना बड़ा. क्या बात है, आपको मेरे साथ एक खेल खेलना है. क्या बात, खेल बहुत आसान है. खेल में बहुत बुरा हूँ मैम. बहुत आसान खेल है, शब्दों का खेल है. शब्दों का खेल है, ठीक है. ओके, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा. हाँ. आपको सवाल के जवाब देने होंगे, पर जवाब में ना तो आप कहीं पे हाँ लगाएंगे ना ना लगाएंगे. अगर मैंने आपसे पूछा आपका नाम पारस है, हाँ नहीं बोलना है या ना नहीं बोलना है, क्या बोलूँ? कुछ भी. तो आप नहीं नहीं आप इसका क्या, आपका नाम पारस है? मेरा नाम पारस. आपका सरनेम क्या है वो लगा दो. बोलो मेरा नाम पारस ही है, राइट. तो वो आपके लिए, अब आपको ये देखना है कि कैसे आप उसे खेल जाओगे, ठीक है. खेलने के लिए तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं खेल में बहुत बुरा हूँ. मैं पूरी कोशिश करूंगा. वेरी गुड. बिना चप्पू के नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. लल्लन टॉप. अरे क्या सुनते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कई बार सुना है ड्राइविंग के वक्त, तो FM चलता रहता है, तो कई बार सुना है मैंने. तो आपने मतलब जब जब गाड़ी में उस टाइम पे होते तो आप ट्यूनिंग करते हैं? हाँ कई बार. हाँ बोल दिया.
ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था, मुझे नहीं बोला. मेरी तो बातचीत चल रही है, मैंने तो सवाल ही डाला. गेम शुरू कब हुआ? मैंने ऐसे पूछा था कब खेलने के लिए तैयार है, आपने बोला मैं खेलने के लिए तैयार हूँ. हम फिर से खेलेंगे. हाँ फिर आप बोल दो, अब क्या करूँ मैं. हम फिर से खेलते हैं. सबसे आपके लिए ऑकवर्ड वाला फैन मूवमेंट कौन सा था? मुझे कभी कभी एक चीज सबसे ज्यादा लगती है, जब मुझे कोई आके बोलता है अरे स्क्रीन पे तो आपकी हाइट बहुत ज्यादा लगती है, तब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूँ. मैं बोला हाँ ऐसा ही है. बट एक सबसे जिसमें मुझे समझ नहीं आया था कि क्या हो गया, ऐसा क्या किया मैंने, वो वाला एक फैन था कि एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई थी. वीर शिवाजी उस टाइम मैं शो कर रहा था. अच्छा. तो वो लोग, उन लोगों को सेट नहीं पता था, वो एक लड़का उनको मतलब एक महीने से लेके घूम रहा था उस लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए. वाह. और वो आई, उसने हाथ मिलाया मुझसे और वो बेहोश हो गई. क्या बात कर रहे हो? हाँ, हाथ मिलाते बेहोश हो गई और उठी उसकी, मतलब वो शिवर कर रही थी बुरी तरीके से. मैंने बोला क्या हो गया, ऐसा क्या, मतलब सब पानी में पिलाया, मतलब उसने बताया पहले ही उड़ गए होंगे. हाँ, मेरे तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या. फिर उसने बोला कि मैं बहुत बहुत दूर घूम के आई हूँ, करजत तक होके आ गई, सेट मेरा नायगांव में था, करजत पता नहीं कहाँ लोना वाला, वो लोग सेट ढूंढते ढूंढते पहुँच गए. और उसके बाद उससे बात बात मेरी थोड़ी बहुत, इतनी बड़ी फैन थी तो मैं करने लगा था. बट उस पर भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया. क्या? कि वो जो लड़का आता था, हाँ, वो शायद उसे लाइक करता था इसीलिए इतना सब कर रहा था. और उसको फिर बाद में पसंद नहीं आया कि वो लड़की इतनी ज़्यादा मतलब मुझे लाइक करती है और वो सब चीज़ें. तो उसने मुझे FB पे उल्टा सीधा लिख के भेज दिया बहुत. तब से मैंने सिर्फ हाय हेलो ठीक है किसी को. आप अगर पर्सनल चीज़ों पे आ जाती है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. राइट राइट. तो अब मैं सिर्फ फेसबुक और ये सब चीज़ें भी कम यूज़ करता हूँ. हाँ. और एक जो एक लिमिटेशन होनी चाहिए, मिलना हर एक से ज़रूरी है. फैन की इसीलिए हम हैं, हम हैं सबसे बड़ी बात. बट वो फिर कई बार आपके ऊपर भारी पड़ जाए, आपकी इमेज खराब हो उससे, तो फिर हमारे और फैंस भी नहीं पसंद करेंगे. राइट. सो रियली हैड अ गुड टाइम विद यू. बहुत ज़्यादा करीब से जाना आपको. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड लिफ्ट करा दे पर आए आप. लिफ्ट करा दे. बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लिफ्ट करा दी. अब इसके बाद मेरा करियर और लिफ्ट होता जाए. अभी बहुत कुछ लिफ्ट होना बाकी आपके करियर में. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. और बस जाते जाते हाथ में आते, क्या पता मैं अभी कहीं सोने का बनी जाऊँ. पारस से मिलाए हम, पारस से. थैंक यू सो मच पारस. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू. बाय. टेक केयर. सो दैट वाज पारस. देख लो बंदा मस्तीखोर है, फुल ऐश, सब कुछ करते हैं. चलो भैया निकलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अगले फ्राइडे. और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है, कुछ मज़ा आया है, कुछ शेयर करना है, कुछ आपको अपने बातें हमसे कहनी है कि हमारे शो में ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने फीडबैक हमको दे सकते हैं. और पसंद आया है तो लाइक करें, और भी ज़्यादा पसंद आया है, आप चाहते हैं कि 5-6 लोग और देखें, तो कृपया करके इसे शेयर करें. एंड बहुत सारी चीज़ें और जानने के लिए, और लोगों को और अंदर से भीतर से जानने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे. एंटिल वी मीट अगेन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डेफिनेटली मिस मी. टेक केयर. बाय.